Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो आज हम देखेंगे कि human excretory system किस तरह से होता है और human kidney का shape क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हमारी kidney की बात करें तो वो क्या होती है, paired होती है. ठीक है, अब pair of kidney, ठीक, हमारे पास क्या है. और जो हमारी right kidney है ना, वो slightly below होगी left kidney से, क्योंकि ड्यू टू द लेइंग ऑफ लिवर. ठीक, और क्या होगी हमारी किडनी में, अब पेयर ऑफ यूरेटर होगा साथ में. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा. ठीक, अब यूरिनरी सिस्टम काम क्या करता है, व्हाट डज द यूरिनरी सिस्टम डू, कीप द बॉडी बैलेंस. क्या करेगा ये, बॉडी को बैलेंस करता है, होम्योस्टेसिस बैलेंस. ठीक है, तो ये कुछ इसके यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं. क्या करेगा ये, क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को साफ करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड में से निकालेगा ये. ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन करेगा. एलिमिनेशन मतलब निकालना, एक्सेस सॉल्यूट आयोनिक कंसंट्रेशन, एक्सेस वाटर ऑस्मोरेगुलेशन, ब्लड फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सारे किडनी के हमारे फंक्शंस है. तो हम अब किडनी को देख रहे थे, हमारी जो किडनी है वो किस शेप की है, बीन शेप की हमारी किडनी है. अगर हमारी किडनी को कट किया जाए और बीच में से जब देखा जाए तो इसके अंदर का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कवरिंग की तरफ. ठीक, तो ये जो किडनी के ऊपर ये ऑरेंज एक लेयर आपको नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की, ये क्या है, किडनी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं. अच्छा, किडनी के लिए हम जो भी वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम रीनल के नाम से यूज़ करेंगे, रीनल इज़ वर्ड फॉर किडनी. ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल. ठीक, अब किडनी के दो पार्ट कर लीजिए, एक ये बाहर वाला हिस्सा हो गया और एक ये डॉटेड सा अंदर वाला हिस्सा हो गया. बाहर को हम कहते हैं हमेशा कॉर्टेक्स, अंदर को हम कहते हैं हमेशा मेड्यूला. ठीक है, जो इनर पार्ट इसका है, तो ये जो बाहर वाला इसका पार्ट है, जो कॉर्टेक्स है हमारा, इसको हम सिंपली क्या कह देंगे, रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, और ये जो हमारे अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या कह देंगे, सिंपली रीनल मेडुला. ठीक, सिंपल. अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ये आपको पिरामिड्स जैसे दिख रहे हैं पिंक कलर के, तो इन पिरामिड्स को हम क्या कहते हैं, इन पिरामिड्स को हम कहेंगे रीनल मेडुलरी पिरामिड्स, क्योंकि ये मेडुला में लाइक कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीनल मेडुलरी पिरामिड्स. और इन पिरामिड्स के ऊपर कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे पेपिले, मेडुलरी पेपिले. ठीक है, अब ये दो पिरामिड्स के बीच में कुछ डक्स बन रही हैं. ठीक है, ये जो डक्स बन रही हैं, इन डक्स को हम क्या कहेंगे, इन डक्स को हम कहेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टिने. ठीक है, इन डक्स को हम क्या कहेंगे, ये जो बड़ी बड़ी सी डक्स बन गई हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिने. अब बड़ी डक्स बनने के बाद ये जो बीच बीच में छोटी छोटी डक्स हमें नज़र आ रही है, इनको हम कहेंगे कैलिक्स. ठीक है, कैलिसिस. और ये जो स्पेस है, ये जो सारी बड़ी डक्स मिलके इन सब ने जो एक डक बना दी है, इनको हम कहेंगे पेल्विस. ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, ठीक है, एक कर्व नज़र आ रहा है, डिप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस डिप्रेशन इज़ नोन एज हाइलम. ठीक है, हाइलम या फिर हाइलस. अच्छा, इस डिप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है हमारा यूरेटर. ठीक है, और यहाँ से हमारी एक आर्टरी, एक वेन जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है किडनी से, जिसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी या फिर रीनल वेन. ठीक है, तो नेमिंग आपको इसकी समझ में आ गई. अब हम आगे देखेंगे कि हमारा किडनी किस तरह से एक्सक्रीशन करता है, किस तरह से ये जो यूरिन वगैरह का फ़्लो है, किस तरह, कहाँ से ये गुज़रता है. ठीक है, और आखिर में कहाँ जाकर ये एग्जैक्टली यूरिन बनता है. ठीक, जब तक यूरिन यहाँ पे होगा तब तक वो यूरिन नहीं कहलाएगा. ठीक है, इस चीज़ को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.